हेलो इंजीनियर श्री शुभ प्रशांति। तो आज आपके लाए हैं एक टच स्क्रीन कीपैड, मतलब आप टच स्क्रीन कीपैड को आसानी से अपने कंप्यूटर पे इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी कैलकुलेटर का काम कर सकते हैं, कोई भी पेज डायरेक्ट वन की से, मतलब एक ही की से ओपन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कीपैड नहीं है, ये आप आर्डिनो से कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, और साथ ही टच स्क्रीन है ये, मतलब आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बना सकते हैं और टच की मदद से आसानी से अपने कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम लोग किस प्रकार से आसानी से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो जब भी हम लोग IR सेंडर और IR रिसीवर के बीच में कोई उंगली लाएंगे तो ये इस तरह सेंस करते हैं, मतलब लाइट ग्लो होता है। तो इसी टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करके कीपैड पे हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके इस तरह कीपैड हमने बनाया है इसको समझने के लिए किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो यहाँ पे जितने सारे आप ब्लैंक गोल गोल दिख रहे हैं ये है IR सेंडर, और ये जो आप क्रॉस क्रॉस गोल दिख रहे हैं ये है IR रिसीवर। तो ये सेंडर जो है ये सेंड करेगा, इस तरह सेंड करके ये रिसीव करेगा, इसका सेंड ये रिसीव करेगा, इसका सेंड ये रिसीव करेगा, ये सेंड करने से ये रिसीव करेगा। सेम प्रकार से ऊपर की तरफ सेंड करेगा, नीचे की तरफ रिसीव करेगा, इस तरह सब क्रॉस हो जाएगा, सभी क्रॉस क्रॉस हो जाएगा। तो अभी मैंने जो रिसीवर है इसका नाम दे दिया है ABCD और नीचे का नाम दिया है 1 2 3। तो अभी देखिए, जब भी मान लीजिए मैं 5 पे क्लिक करूँगा, तो 5 पे जब भी क्लिक करेंगे तो ये जो IR सेंडर है इसका लाइट इस पे यहाँ पे रुक जाएगा, मतलब ये इसको नहीं मिलेगा, और ये वाला जो लाइट है ये भी रुक जाएगा, इसको नहीं मिलेगा, मतलब बीप को नहीं मिलेगा। तो B+2 ठीक है, ये दोनों को नहीं मिलेगा, तो ये सेंस कर लेगा, दोनों सेंस करेगा। तो B+2 जब हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, B+2 जब होगा तो 5 इसमें आएगा, मतलब 5 पे क्लिक किया है तो 5 डिस्प्ले करेगा। इसी प्रकार से जब भी देखिए मैं टिक मार्क पे क्लिक करूँगा तो ये लाइट बंद होगा और ये वाला लाइट बंद होगा, तो मतलब ये वाला सेंस करेगा और ये वाला सेंस करेगा, मतलब D+3। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए D+3 टिक मगा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं। जैसे कि मैं 4 पे क्लिक करूँगा, 4 पे क्लिक करने पर ये वाला सेंस करेगा और ये वाला सेंस करेगा, मतलब B+1। तो B+1 यहाँ पे देखिए B+1, तो क्या हुआ है 4, तो मैंने 4 पे क्लिक किया था। इसी प्रकार से इसी टेक्नोलॉजी से हम लोग इसको काम कर सकते हैं। तो अभी चलिए इसको हम लोग ये प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग ये सर्किट बनाते हैं और इसको काम कराते हैं। इस वीडियो का सारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स क्वार्ट्ज कंपोनेंट्स से खरीदा हुआ है, बहुत ही अच्छा और सस्ता कंपनी है। अगर आप चाहते हैं वहां पे जाके बहुत ही कम रेट पे खरीद सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएगा।
अभी हम लोग सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, मतलब जो कीपैड है, कीपैड पे जो भी हम लोग दबाएंगे वो किस प्रकार से जो कंप्यूटर पे आएगा वो हम लोग समझेंगे किस प्रकार से इसको काम करते हैं। तो इसका सिंपल सा कुछ कनेक्शन है जो कि बहुत ही इजी है, आप लोग देखेंगे तो आपको भी आ जाएगा, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर पे चलते हैं। तो कंप्यूटर पे जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग यहाँ पे जो कीपैड जो हेडर फाइल है इसको हम लोग पहले इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों को स्केच पे जाके, इंक्लूड लाइब्रेरी पे जाके, मैनेज लाइब्रेरी पे जाके इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो करने के बाद अभी हम लोग सॉफ्टवेयर पे जब भी आ रहे हैं तो इसको हम लोग सिर्फ अपलोड कर देंगे, जो कि आप जो मैंने जो लिया है आर्डिनो नैनो किसी पे भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड होने के बाद कीपैड लगा के मैंने टच स्क्रीन कीपैड बनाया है अपनी तरीके से, जो कि टच स्क्रीन कीपैड से आसानी से हम लोग टच करके इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो जो कीपैड आते हैं वो कीपैड भी आप लोग यूज कर सकते हैं, लगा के आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह हमने 1 2 3 4 करके लिखा है उसी तरह ये काम करेगा। साइड पे देखिए ए बी सी डी इस प्रकार से लिखा आ रहा है, और जो कीपैड है कीपैड पे भी साइड पे ए बी सी डी करके लिखा रहे, नीचे की तरफ जो कि *0# करके लिखा रहा है। तो सेम यहाँ पे भी देख सकते हैं *0# लिख के आ रहा है, और 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ पे सीरियल मेंटेन है जैसे कि यहाँ पे है। तो इसका कनेक्शन मैंने जिस तरह किया है उसी तरह आप करेंगे आर्डिनो ओनो या आर्डिनो नैनो किसी पे भी। करने के बाद हम लोगों को इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जस्ट हम लोगों को कंप्यूटर पे आके, जैसे कि मैं मान लीजिए मैं अपना वेबसाइट खोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे जो कि हम लोग गूगल खोलेंगे या फिर मान लीजिए मेरा वेबसाइट खोलेंगे robotics-kanti.com। तो इसको जब भी क्लिक कर रहे हैं तो ये ओपन हो रहा है। तो जब भी रोबोटिक्स क्रांति ऊपर पे जाके हम लोग इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद ये क्लोज कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे, शॉर्टकट पे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे जो कॉपी किया है उसको पेस्ट करेंगे। करने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे नाम लिखा रहा है, आप किसी भी नाम लिख सकते हैं, मैं इस पर आर के लिख रहा हूँ, लिख के इसको फिनिश कर देना है। देने के बाद यहाँ पे देखिए आ गया है आर के करके एक फोल्डर, जब भी इस पर डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरा वेबसाइट खुल जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओपन करने के बाद ऑटोमेटिकली ये मेरा वेबसाइट पे चला जाएगा क्योंकि मैंने इसको शॉर्टकट कर दिया है। अभी इसको राइट क्लिक करेंगे, करने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे शॉर्टकट की लिखा आ रहा है, तो शॉर्टकट की पे नाम लिखा आ रहा है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। करने के बाद जैसे कि डी दबाएंगे, तो डी देने के बाद देखिए ऑल्टर जो कि Ctrl+Alt+D आ गया है, उसके बाद अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, तो अभी ये शॉर्टकट हो गया है। तो जब भी हम लोग कीपैड पे जब भी डी पे दबाएंगे डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाएगा। अभी आप लोगों को डेमो दिखाते हैं, दिखाने के बाद आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। और एक काम है, जैसे कि मैं अभी मान लीजिए न्यू पे जाके जैसे कि कोई भी चीज आप अलग से अगर डालेंगे तो ये सेम टू सेम प्रकार से काम करेगा। इसका नाम और एक डालना पड़ेगा, जैसे कि ए, तो Ctrl+Alt+A आ जाएगा, तो ए पे क्लिक करेंगे कीपैड पे तो ये खुल जाएगा। और इतना ही नहीं, आप इस कीपैड की मदद से आप कैलकुलेटर भी काम कर सकते हैं, उसके बाद आप किसी भी नंबर लिख सकते हैं अपने नोटपैड पे। तो अभी चलिए इसको डेमो देखते हैं किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो अभी देखिए मैंने एक मैनुअल जो कि टच स्क्रीन कीबोर्ड बनाया है और इस पर हम लोग टच करेंगे तो ये काम करेगा कंप्यूटर। तो जब भी हम लोग जैसे कि मैं अभी एक वेबसाइट खोलूँगा, तो जो वेबसाइट मैंने इस पर डाल दिया है, जो कीपैड डाल दिया है वही कीपैड अगर दबाएंगे तो वेबसाइट खोलेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं अभी नाम लॉक पे एक दबाऊँगा तो देखिए माई कंप्यूटर खुल गया है। तो अभी ये माई कंप्यूटर खुल गया है, तो अभी इसको हम लोग माउस से क्लोज करेंगे। तो मैंने क्लोज का कोई ऑप्शन इसमें नहीं डाला है, ठीक है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। किस प्रकार से डालते हैं वो तो मैंने आपको दिखाया ही। तो जैसे कि मैं अभी दूसरा मेरा वेबसाइट खोलूँगा, जैसे कि मैंने डेल पे किया है, डेल पे जब भी दबाएंगे तो मेरा वेबसाइट ऑटोमेटिकली खुल गया है, देखा आपने, तो वेबसाइट खुल गया है। तो वेबसाइट को अभी हम लोग क्लोज करेंगे।
तो अभी हम लोग जैसे कि मान लीजिए कोई टाइपिंग करेंगे, तो टाइपिंग करने के लिए जो कि नोटपैड को हम लोग खोलना है, नोटपैड को मैंने सिलेक्ट किया है अलग से, तो प्लस पे मैंने इसको दे दिया है, तो प्लस पे जब भी दबाएंगे तो नोटपैड खुल जाएगा। तो देखा आपने, नोटपैड खुल गया है। अभी हम लोग इस पर टाइप कर सकते हैं, किसी भी टाइप हम लोग इस पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं नोटपैड को यहाँ पे ला रहा हूँ और इसका जो कि फ्रंट को मैं थोड़ा बड़ा करूँगा आपको दिखाई देने के लिए, जैसे कि इस तरह मैंने कर दिया। अभी देखिए मैं टाइप करूँगा, तो अभी वन देखिए, तो जो भी हम लोग टाइप कर रहे हैं वो इसमें आ रहा है, आसानी से इसमें आ रहा है। तो जैसे कि मैं इसको मैं डिलीट करूँगा, सिक्स को डिलीट करूँगा, तो डेल पे क्लिक करने पर ये डिलीट हो जाएगा। देखा आपने, तो जब भी हम लोग दबाएंगे तो ये डिलीट हो रहा है। एंटर पे देंगे तो नीचे एंटर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखिए नेट एंटर देने से नीचे आ गया है। फिर से मैं इस पर दबा सकता हूँ, तो इस तरह ये काम करते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप एक कीपैड बना सकते हैं जो कि न्यूमेरिकल कीपैड है, इसको आप बना के अपना जो कि कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हैं। और ये एक टच स्क्रीन है, देखा आपने, ये एक टच स्क्रीन है, बहुत ही इजी से ये काम कर रहा है। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक टच स्क्रीन हम लोग बना सकते हैं, वो भी कंप्यूटर पे लगा के हम लोग काम कर सकते हैं अपने आर्डिनो के जरिए। तो ये प्रोजेक्ट अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों, बाय।